नमस्कार, एवरीडे गीता के इस अंक में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत अतिरिक्त प्रसन्नता इस बात की है कि जब हम भगवद गीता को माँ कहते हैं, अम्बा कहकर संबोधित करते हैं, तो उसके साथ साथ ये भाव रहता है कि वो हमारा हाथ पकड़कर हमें हमारे लिए जो सबसे कल्याणकारी पथ है उस तरफ आगे ले जाने की दिशा स्पष्ट करेंगी। पर अगर हम अपना हाथ पकड़ाना ही नहीं चाहेंगे तो माँ हाथ पकड़ने के लिए अपनी ओर से जबरदस्ती प्रयास नहीं करती है। इस बात को लेते हुए जब हम अक्सर सुनते हैं गुरु शिष्य की बात, क्योंकि वैसे तो अर्जुन और श्री कृष्ण सखा हैं, पर जब अर्जुन शिष्यत्व स्वीकार करते हैं उसके बाद में मुख्य जो गीता का उपदेश है वो प्रारंभ होता है। जब शिष्यत्व का भाव है तब गुरु रूप मुखरित होता है श्री कृष्ण का। इस बात को लेते हुए हम ये भी याद करें 12 जनवरी को जो शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी विवेकानंद के संदेश का जो स्पंदन है उसका एक सकारात्मक आलोक इतने वर्षों बाद भी हम महसूस कर सकते हैं। उनकी वाणी में जो कुछ प्रकट हुआ उसका भी श्रेय उन्होंने अपने गुरु को दिया कि उन्हीं की शक्ति मेरे द्वारा कार्य कर रही थी। तो ये बात सुनते हुए आधुनिक मन कई बार ऐसा सोचता है कि मेरा क्या, फिर मेरी फ्री विल कहाँ है। तो ये फ्री विल की बात को लेते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दो दोस्तों की बात है, एक का नाम था सतर्क और एक का नाम था समर्थ। तो सतर्क जो था वो बहुत ही सतर्क था, जैसे कि नाम था उसका। एक बार शाम के वक्त में जब समर्थ उसके घर की तरफ आया तो देखा कि सतर्क बाहर एक लैंप के नीचे, ये जो रोड लाइट्स होती हैं उसके नीचे कुछ ढूंढ रहा है। और तो उसने दूर से देखा, भाई ये बहुत कुछ देर से ढूंढ रहा है, तो पास में जाके कहा क्या हुआ। उसने कहा कि मेरे घर की चाबियां ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं भी ढूंढवाता हूँ भाई। तो समर्थ ढूंढने लगे, फिर ढूंढते ढूंढते दोनों को जब चाबी नहीं मिली तो समर्थ ने सतर्क को पूछा कि यार वो चाबी गिरी कहाँ थी, तो ताकि हम उधर ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएगी। तो सतर्क ने कहा यार चाबी तो घर के पीछे गिरी थी। तो उसने कहा तो वहां ढूंढनी चाहिए ना। तो सतर्क ने कहा कि नहीं नहीं वहां तो अंधेरा है, यहाँ पर लाइट है। अगर आप हंसे मुस्कुराए तो इसका मतलब कि आपने बात सुनी और समझी। कई बार ऐसा होता है कि समस्या की जड़ जहां पर है वहां पर हम समस्या का समाधान नहीं ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं। और इस त्रुटि को दूर करने का संकेत ही प्रारंभ में श्रीमद् भगवद गीता करती है, अंदर देखना है। तो आज का जो कोटेशन है वो हम आपके साथ बांटे हैं, सीइंग फ्रॉम आउटसाइड इज फुलफिल्ड ओनली बाय सीइंग फ्रॉम इनसाइड। तो ये सतर्क और समर्थ की कहानी है, इसको लेते हुए हम ये समझें कि कई बार ऐसी स्थितियां आती है जब समस्या का समाधान हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं जबकि उसकी जड़ कहीं हमारे भीतर होती है। बात थी फ्री विल की। अगर हम अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करना नहीं सीखते हैं, अगर हमें किसी बात की जानकारी नहीं है तो जो GPS है उसको लेते हुए, यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, आजकल जब हम गाड़ियों में चलते हैं तो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वो जैसे जैसे कहता है अब लेफ्ट लेना है अब राइट लेना है तो हम ले लेते हैं, और वो पहले से थोड़ा संकेत भी कर देते हैं कि अब आने वाला जो 3 लाइट के बाद में है वहां पर लेफ्ट लेना इत्यादि। इसी प्रकार से एक गीता पोजिशनिंग सिस्टम है, उसको हमें अपने जीवन में एक्टिवेट करना चाहिए, इसलिए ताकि हम समझ सके कि जो जो समस्या जिसकी जड़ जहां जहां है वहां से ही उसका समाधान मिलेगा। और मुख्यतया जो हमारी समस्याएं हैं वो व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी कहीं ना कहीं हमारे चिंतन के साथ उनका कुछ संबंध रहता है। विज्ञान के द्वारा हम बाहरी सुविधाओं को बढ़ाते जाते हैं, उसको अपने जीवन की सफलता मानते भी हैं, और इसका अगर कोई अपवाद की तरह विरोध करता है
तो हमें लगता है वो अव्यावहारिक है। कभी कभी ऐसा होता भी है, पर अक्सर दोनों को अगर एक संतुलित रूप में नहीं देखा जाएगा तो जीवन अर्थहीन हो जाएगा। आपने ऐसा देखा होगा, कई लोग हैं जो बिलियनियर्स हो जाने के बावजूद उनके जीवन में एक रिक्तता रह जाती है। तो जिस चीज को हम सफलता मान रहे हैं और उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा तो हम उस पर हंसने लग जाएंगे, क्योंकि भाई अमुक अमुक चीजें होनी चाहिए, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो वगैरह वगैरह, और खूब सारा पैसा हो, और जब जहां इच्छा हो जा सके। ऐसा तो ऊपरी तौर पर हम जो अपनी इच्छा का सम्मान करते हैं उसके साथ साथ स्वयं अपना सम्मान नहीं करते हैं, और जो लोगों ने हमें दे दिया है उसी उदार के चिंतन को लेकर चलते हैं। तो श्रीमद् भगवद् गीता इस पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पर श्रीमद् भगवद् गीता पूरा उपदेश श्री कृष्ण का अर्जुन तक पहुंच जाता है, उसके बाद भी वो उसको कोई आरोपण नहीं करते हैं। देखिए, फ्री विल जो है वो एंड तक मेंटेन रहती है श्रीमद् भगवद् गीता में। वो कहते हैं ये हो सकता है, ये सब मैंने तुझे बता दिया, अब जो तुझे ठीक लगे वो कर। यानी ये नहीं कहा उन्होंने कि ऐसा ही कर। हम में से कई लोगों को अगर किसी से सलाह पूछते हैं, कोई राय लेते हैं, तो देने वाले को लगता है मैंने ये कह दिया, अब तो इसको ये करना ही चाहिए। वो नहीं करता है तो हमें बुरा भी लग जाता है। तो मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करने की दिशा में जो श्रीमद् भगवद् गीता है उनका साथ अगर हम लेते हैं तो ये हमारे लिए मतलब आनंद को भी बढ़ाने वाला होगा, और हमारा जो संतोष है वो अक्षुण्ण रहेगा। मतलब ये है कि वो हिलेगा नहीं। अब इसके साथ अन्य जो बातें हैं, जो हमसे अधिक जानता है उससे अगर हम पूछते हैं तो उससे हम छोटे नहीं हो जाते हैं। ये जो विनयशीलता है वो तो जीवन के लिए आवश्यक है। ये जो खुलापन है, ये जो सीधा होना है अर्जुन का, ये जो सरल होना है अर्जुन का, ये जो सच्चा होना है अर्जुन का, और साथ में एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, यानी छुपाते नहीं है वो, जैसे कि हम पहले भी याद कर रहे थे, उसके साथ साथ सीखने को सदैव तत्पर है। तो सीखना ही तो जीवन है। ये बात श्रीमद् भगवद् गीता के माध्यम से जिस तरह हम तक आई है उसका हम प्रतिदिन एवरीडे गीता के द्वारा तो रसास्वादन करेंगे ही। इसके साथ साथ समय समय पर अन्य आयोजन भी होंगे, पर आज के क्रम में जैसा कि हम हर दिन दो श्लोक संस्कृत और हिंदी में उनको स्पर्श करते हैं, तो आज हम पहले अध्याय के 15वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो श्लोक है उसका प्रारंभ ही पांचजन्य, जो कि श्री कृष्ण के शंख का नाम है, वहां से होता है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्र दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। ये जो वृकोदर है ना, मतलब है कि जिनका पेट बहुत बड़ा है, वो कौन है? तो वो भीम है। तो इसका अर्थ है श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अब श्रीमद् भगवद् गीता के पहले अध्याय का 16वां श्लोक है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पको। तो कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, और नकुल ने, और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम के शंख बजाए। तो इनके शंखों के नाम फिर से एक बार पकड़ते हैं, और इन पर कभी कोई आने वाले समय में हो सकती है। तो युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया था उसका नाम था अनंत विजय। तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ संकेत होगा कि अनंत की विजय या अनंत के सानिध्य से विजय, ऐसा कुछ। और नकुल का जो शंख था उसका नाम था सुघोष, और सहदेव जो थे उनके शंख का नाम था मणि पुष्पक। तो इसके साथ साथ हम आज के कार्यक्रम के विराम के समीप तो आ ही गए हैं, और बात याद करने वाली यह है कि आने वाले शनिवार को संपूर्ण गीता पारायण आरंभ स्टूडियो से 11 बजे से लाइव होगा, तो आप उससे भी जुड़कर लाभान्वित हों। और साथ ही साथ
शनिवार से शाम को हम क्रम प्रारंभ कर रहे हैं जहां श्रीमद् भगवद गीता मेरे जीवन में इस विषय पर बातचीत जो होगी वो भी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो पूरा जो बरस है विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता की शरण लेते हुए हम इस जीवन में इस बरस में आने वाली समस्त चुनौतियों को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पार करें और उसमें वो हमारी फ्री विल हमसे छीनते नहीं है बल्कि वो तो हमारी फ्री विल का हमसे भी ज्यादा सम्मान करते हैं। क्योंकि कई बार हम करते हैं कहते हैं कि भाई ऐसा कर दो ऐसा कर दो, तो उसमें अगर हम अपनी इच्छा को समझ नहीं रहे हैं तो वो इंटरफियर करते नहीं है। बहरहाल इस बारे में फिर कभी चर्चा और जारी रहेगी। मैं फिर एक बार आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत उत्साह आपकी प्रतिक्रियाओं से जो मिल रहा है, कुछ फोन पर कुछ अन्य संदेशों के माध्यम से, तो लग रहा है कि जो भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भी श्रीमद् भगवद गीता की शरण लेकर जो हमारे राष्ट्र नायकों ने राष्ट्र के उद्धार की दिशा में सोचा था उस तरफ हम पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए सोचें और आनंद करें। तो आज इतना ही करते करते एक विशेष संगोष्ठी हम 26 जनवरी के समीप गीता और भारत का स्वाधीनता आंदोलन इसके बारे में भी करने वाले हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें भगवद गीता माता की कृपा से प्रकट होने वाली हैं, तो उस सब के लिए आपको और मुझे बधाई है। और अब आज अनुमति लेने का समय आ गया है। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।